क्या तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दूरी बनाने लगी है? क्या तेजस्वी से अलग किसी और पर दांव लगाना चाहती है नीतीश कुमार की पार्टी? ऐसा इसलिए क्योंकि कल तक चर्चा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के रूप में 2025 में ताजपोशी की हो रही थी, लेकिन अब ललन सिंह और केसी त्यागी के बयान ने अलग चर्चा छेड़ दी है। हाल के दिनों में बिहार के सियासी घटनाक्रम इस बात के संकेत दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति अहम बदलाव की तरफ बढ़ने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां नीतीश कुमार का फिर से साथ छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू अपने सहयोगी आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव को लेकर अपनी नीति में बदलाव करती दिख रही है। ललन सिंह और केसी त्यागी के वो बयान भी इस बात का इशारा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 की बात कीजिए, 2025 नहीं आया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कहा। हम कभी बोले हैं क्या कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे? कहां का नेतृत्व? जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी 2025 नहीं आया है, जब आएगा तब बात कीजिएगा, यह उस समय तय होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राजद का अस्तित्व है। अभी 2024 की बात कीजिए, जदयू का अस्तित्व रहेगा, किसी भी दल के साथ इसका विलय नहीं होगा। इसके साथ ही ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को भी निशाने पर ले लिया। उधर केसी त्यागी ने भी बयान दिया और फिर उनके बयान के मतलब भी निकाले जाने लगे। केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार 2030 में भी नेतृत्व देने में सक्षम हैं, 2025 की बात छोड़िए, उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ा हुआ है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जब तक अपने फर्ज का अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व के संकेत दे चुके हैं। खुद सीएम कई बार बयान दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार संभालेंगे। आरजेडी की तरफ से भी इस पर जोर दिया जाता है कि तेजस्वी के हाथों में सत्ता सौंपकर नीतीश कुमार केंद्र की सियासत करेंगे, लेकिन जेडीयू नेताओं के ताजा बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राज्य की राजनीति अब बदलने लगी है।